मॉर्निंग एवरीवन. सुरेखा, हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट कोरोना पेंडेमिक. सुरेखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वरी से तो कुछ होता ही नहीं है. अगर वरी से कुछ होता तो हम सब बैठ के वरी करते, राइट? तो हम वरी क्यों करते हैं? वरी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. कल क्या होगा, कल कब खुलेगा लॉकडाउन, किसी को कोरोना तो नहीं हो जाएगा फैमिली में, कोरोना वायरस किसको होना है, कोरोना वायरस होना है हमारे शरीर को, राइट? लेकिन हमने दिमाग में तो कोरोना वायरस को अभी से कर लिया है, ऑलरेडी कोरोना वायरस ऑलरेडी हमारे दिमाग में हो चुका है अगर हम वरी कर रहे हैं उसके लिए. तो कल क्या होगा वो आज पे डिपेंड करता है, राइट? और इसलिए हमें क्या करना है, हमें पहले आज हम क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है कि हमने आज का दिन कैसे बिताया. इस लॉकडाउन में हमने क्या क्या किया. लॉकडाउन में द टू थिंग्स, वन इज कि हम परेशान हो सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, हम इरिटेट हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, हम सारा दिन क्रिप कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मुझे घर का काम करना पड़ रहा है, बच्चे घर पे, बहुत चीजें हैं. दूसरा, हम इसका पॉजिटिव साइड दे सकते हैं कि हम क्या क्या अभी कर सकते हैं. मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो एक्चुअली इस पीरियड से खुश है. जैसे नेचर खुश है, नेचर बहुत खुश है, क्योंकि आप सोचिए कितनी गाड़ियां दौड़ती थी, कितने एरोप्लेन दौड़ते थे और सब रुके हुए हैं. नेचर को सांस आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है. इसी तरह से हमारी लाइफ को भी सांस आ रही है. कैसे? हमारी लाइफ को, हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं था, पॉज देने का टाइम नहीं था, बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं था, फैमिली हम सारा दिन क्रिप करते थे. बहुत लेडीज हैं कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, घर नहीं आते, लेट आते हैं, टाइम नहीं देते. सब कुछ है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए हमें क्या करना है. उसको एंजॉय करने के लिए हमारी लाइफ स्टेट ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैंने इस टाइम इसका बेस्ट फायदा उठाना है. मैं श्योरली सबको बोल रही हूँ कि आफ्टर दिस पीरियड इज ओवर, जब ये खत्म होगा ना, सब इस वक्त को याद करेंगे कि इस वक्त में हमने ये किया जो हम वैसे नहीं कर सकते, और लाइफ फिर से बहुत बिजी हो गई, फिर दौड़ा दाड़ी हो गई. सो इसलिए इसका फायदा उठाएं. सबसे बड़ा टेक्निक इसका ये है कि सुबह से रात तक एक प्रॉपर रूटीन रखिए और उस रूटीन को प्रॉपर एक प्रॉपर मॉर्निंग में उठिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, नहाइए, प्रेयर करो, अच्छे कपड़े डालो, जैसे आप ऑफिस या अदरवाइज तैयार होते हो, जैसे किसी को मिलने जाते हो तो तैयार होते हो अच्छे से. नाइट सूट पे लोगे तो माइंड भी वैसे ही रहेगा कि कुछ नहीं, रूटीन नहीं, कुछ नहीं, उससे बाहर आना है हमें. प्रॉपर रूटीन रखनी है, लिस्ट होनी चाहिए, आज मुझे ये 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 करना है. अगर आप पहले जॉब पे जाते थे तो आपके पास 9 to 5, 9 to 6 की रूटीन होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या करना है. अगर आपके पास वो है, अब जैसे इसमें एक निकिता ने पूछा है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, 3.5 साल के जो भी बेटा या बेटी है, बच्चों को भी एक रूटीन चाहिए. बच्चे क्या है, बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि उनकी अगर एनर्जी नहीं आप यूज करोगे तो वो अपनी एनर्जी आप पे यूज करेंगे. जैसे एक, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जैसे एक शैतान था, शैतान को ने बोला कि मैं काम कर लूंगा आपके यहाँ लेकिन एक शर्त पे, मुझे खाली नहीं छोड़ना, अगर खाली छोड़ा तो मैं आपको खा जाऊंगा, बिकॉज उसमें इतनी एनर्जी है वो रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा शैतान. तो बच्चों का शैतान कहो, हम कहते हैं ना शैतान जैसे होते हैं, लेकिन शैतान के या उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसको आपको यूज करना पड़ेगा. आप उनकी एनर्जी कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे वो शैतान की मैं स्टोरी सुना रही थी कि वो कहता है कि मैं खा जाऊंगा अगर मुझे खाली छोड़ा. तो देयर टू डिफरेंट स्टोरीज की एक मालिक ने क्या किया, उसको कुशन्स दिए कि जब खाली, मैं तेरे को और काम नहीं बोल रहा हूँ, कुशन का कवर डाली जाओ और कुशन का कवर उतारी जाओ, कुशन का कवर डाली जाओ और देखता हूँ मैक्सिमम कितने उतारते हो और कितने चढ़ाते हो. तो वो उसी में लगा रहता है, उसकी एनर्जी उसमें लग जाती है, मैं कितने कुशन चढ़ा रहा हूँ, कितने, या उसको कह देते हैं कि सीढ़ियां चढ़ता रहा, सीढ़ियां उतर जाएगा, और गिनना कि पूरे दिन में कितनी सीढ़ियां चढ़ी और कितनी उतरी. सेम इज किड्स, बच्चों को हम कितना
कितनी उनमें एनर्जी कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए अभी तो लॉकडाउन है, बच्चे घर पे, आपको लग रहा है, लेकिन अदरवाइज भी बच्चों में बहुत एनर्जी है। मैंने अपनी डॉटर्स को हमेशा इतना बिजी रखा जब वो बहुत छोटी थी। मेरी छोटी डॉटर तो मैंने उसको 2.5 साल की थी जब मैंने प्रॉपर स्कूल में डाल दिया था, मतलब प्रॉपर स्कूल प्ले स्कूल ओनली, बिकॉज मुझे पता था उसमें इतनी एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे उनकी कंज्यूम करनी है, उनको किस किस चीज में बिजी रखना है। जैसे एक तरीका है कि बच्चे को कुछ भी चीज जो बहुत पसंद है, डांस पसंद है, सॉन्ग पसंद है, कोई मूवीज देखना पसंद है, या उनको कोई ड्राइंग करना पसंद है, उनकी उन एक्टिविटीज का शेड्यूल बनाए और उनको वो चीज करने दीजिए जो उनको अच्छी लगती है और जिसमें वो कुछ सीखे भी। अगर आप टीवी पे लगा के दे रहे हैं तो कुछ ऐसा कार्टून लगाइए जिसमें उनको वैल्यू मिले और उसका टाइम फिक्स कर दीजिए। इससे क्या उसको डिसिप्लिन आएगा, उसको पता लगेगा हाँ दिस इज माई टीवी टाइम, दिस इज माई पेंटिंग टाइम, दिस इज माई डांस टाइम, ओके इफ आई स्लीप इन द आफ्टरनून फॉर सम टाइम देन आई विल गेट दिस टू सी, दिस टू डू। तो एक शेड्यूल बनाइए सो दैट ही लुक्स फॉरवर्ड। अगेन मैं इस पे भी आपको अपना बताना चाहूंगी, जैसे मेरी बेटियां थी तो मुझे ये लगता था कि उनको बहुत स्ट्रीम लाइन करके चलना चाहिए। तो हमने घर में जैसे अपना टीवी हम ऑन ही नहीं करते थे, हमारा एक सैटरडे का टीवी टाइम था कि सैटरडे को पिक्चर देखेंगे पूरी फैमिली और वी विल कुक नाइस थिंग्स, विल कलेक्ट यू नो पॉपकॉर्न बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, और हमने सैटरडे को ऐसे बैठ जाते जैसे थिएटर में बैठे या घर में या फिर बाहर चले जाते थे थिएटर में। तो सबका ये हो गया था कि सैटरडे को सब दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि आज सैटरडे आने वाला है, ये करेंगे। आपको याद है पहले टाइम में रामायण आता था या हम लोग आता था जैसे सीरियल देते तो सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठ जाती थी। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर था आ जाएगा संडे है, वेडनेसडे है, चित्रहार आएगा। सो वो क्रेज आजकल नहीं रहा है क्योंकि सारा टाइम टीवी अवेलेबल है। तो कुछ ऐसी चीजें अपनी फैमिली में बनाइए जिससे बच्चे लुक फॉरवर्ड की वाओ आज हमारा ये डे है, आज हमारा ये टाइम है, तो हमें मजा आएगा। इस तरह से बच्चे ग्रो करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उनकी बहुत सारी ऐसी टैलेंट्स है जिनको आप उन पे वर्क कर पाओगे एक प्रॉपर सिस्टम से। तो प्लीज बच्चों से घबराइए नहीं कि बच्चे है एग्रेसिव है, क्योंकि हम उनको फीड नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि वॉल्स थे दो, तो एक बहुत गुस्सा, उसमें ईगो, जेलेसी, ये सब थी, और दूसरा बहुत शांत और अच्छा था, उसमें गुड क्वालिटीज थी। तो एक दादाजी स्टोरी अपने बच्चों को सुना रहे थे, तो बच्चे ने पूछा कि अल्टीमेटली कौन सा वॉल्स जीतता है, भेड़िया, कौन सा भेड़िया जीतता है। तो दादा ने पता क्या बोला कि जिसको आप फीड कर रहे हो वो जीतेगा। अगर आप नेगेटिविटी को फीड कर रहे हो वो जीतेगी, अगर आप पॉजिटिविटी को फीड कर रहे हो तो वो जीतेगी। तो हम किस चीज को फीड कर रहे हैं, कौन से वॉल्व को हम फीड कर रहे हैं, वो मैटर करेगा। तो अब बच्चों को आप पॉजिटिवली फीड कर रहे हो तो वो जरूर उस पीरियड में आप, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप कॉन्शियस हैं, आप डिसिप्लिन है, आपको पता है क्या कैसे डील करना है, आप उनको पॉजिटिवली कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लॉकडाउन पीरियड या आपके लिए लॉकडाउन पीरियड बेस्ट पीरियड होगा रियली। पर अगर हम सिर्फ क्रिप कर करके कर रहे हैं, बहुत लोग है मैं जानती हूँ जो इस पीरियड में, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कपिल मेहता जी आए, हेलो कपिल जी, विनय, हाय नीतू, यू वेलकम। सो आई एम श्योर जैसे कपिल जी हैं यहाँ या विनय भी हैं, उनको हो सकता है जॉब की टेंशन हो रही हो, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कपिल जी हैं, उनको हो सकता है कल को बिजनेस का क्या होगा। अब मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ बिजनेस में जो आज कल के लिए तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, वो फिक्र नहीं कर रहे हैं, फिकर है लेकिन फिकर की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं कि हमने कल क्या करना है। तो आप सिर्फ बैठ के फिकर कर रहे हैं या आप आगे की प्रेपरेशन कर रहे हैं? देखिए फिकर तो हमें बचपन से भी थी कि बड़ा होके मैं क्या करूंगा, हमारे पेरेंट्स को भी फिकर थी, राइट? लेकिन क्या करते थे, हम पढ़ते थे, अच्छे अच्छे कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेते थे, ये सब करते जाते थे, राइट? तो अल्टीमेटली हम धीरे धीरे बड़े होके हम कुछ बन गए। अगर हम सिर्फ फिकर करते रहते, हमारे पेरेंट्स सिर्फ फिकर करते रहते तो कुछ भी नहीं होता, राइट? निकिता आप लिख रहे हैं कि आपको पर्सनल नंबर चाहिए, आप बात करना चाहती हैं, हाँ तो आप लिख सकते हैं प्लीज 9814000952।
मैं लिख देती हूँ, 9814000952। एक आगे है क्वेश्चन, सुनील वेलकम, हाउ टू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन। या सो अभी आई थिंक प्रियंका आप थोड़ा लेट आए हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में लिखिए कि इस लॉकडाउन में आपने ऐसी कौन सी चीज की जो आप शायद ये लॉकडाउन नहीं होता तो आप नहीं करते। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपने ऐसी कौन सी चीज की। वेलकम निकिता, या एनी टाइम यू कैन गेट इन टच। या सो आप प्लीज लिखिए कि आपने ऐसी कौन सी चीज की इस लॉकडाउन पीरियड में। कपिल जी, सुनील, प्रियंका, निकिता, विनय, जो भी है यहाँ पे, प्लीज 22 लोग हैं, तो आप प्लीज ये लिखिए कि आपने ऐसी कौन सी चीज की जो आप अदरवाइज नहीं करते। किसी ने कोई बुक पढ़ी जो आप शायद पहले नहीं पढ़ते थे, आपने कुछ लिखा जो आपने शायद पहले कभी नहीं लिखा, कोई पोएम लिखी, कोई स्टोरी लिखी, आपने अपने बच्चों के साथ बैठ के गेम खेली, प्लीज लिखिए। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपने क्या किया हो सकता है, अगर नहीं किया तो भी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको ये सब करना चाहिए। आपने अपने बच्चों के साथ बैठ के गेम खेली जो पहले नहीं खेली, आपने उनसे हार्ट टू हार्ट बात की जो आपने पहले शायद नहीं की, आपने अपने वाइफ के साथ किचन में कुछ काम कराया जो आप पहले नहीं कराया और उसको कितनी खुशी हुई होगी वो आप सोच नहीं सकते। ऐसा क्या किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आप कमेंट में लिख नहीं रहे, मैं वेट कर रही हूँ। आई एम श्योर कुछ किया होगा, कोई गार्डनिंग की किसी ने, पहले कभी गार्डन में आपने पानी नहीं दिया, आपने उसको देखा नहीं, अब आप कुछ नहीं, चलो गार्डन में जाके अच्छे से उसको एंजॉय किया, देखा वाओ, मैंने देखा वाओ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माय गार्डन वाज फुल ऑफ फ्लावर्स। और पहले मैं बाहर जाती थी, जाते जाते बस नजर मारती थी और वापस आती थी, और मतलब अब मैंने उन फ्लावर्स को मैं गिनती होती थी, मॉर्निंग में मैं वॉक करती तो मैं गिनती थी। मैंने कभी फिटनेस नहीं किया, निकिता ने लिखा है प्लेइंग अ गेम कैचिंग अ फिश, वाओ, सो आपने वो पहले नहीं किया। रे योगिता, यू हैव रेड अ बुक, विच बुक यू हैव रेड, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। मैं कल किसी से मिली इन द सेंस जूम कॉल पे, वो 200 पेज हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज पिछले 10 साल से। कपिल कहते हैं स्पेंड टाइम विद द किड्स विच वाज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर रूटीन। यस, प्लीज आप अपने बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करिए कि आपकी लाइफ का ये मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन जाए, मोस्ट मेमोरेबल, कि वाओ, समझ रहे कि आपको सबको ये लगे कि, और बच्चों को भी ये लगे कि वाओ क्या दिन थे। सो इसको बुरा वक्त मत बनाए, टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेरी गुड, स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, वेरी गुड। सो कपिल कह रहे हैं, प्रियंका कह रहे हैं, सुमित जी हेलो, यू आर वेलकम। सो हम क्या ये एक मेमोरेबल पीरियड बनाइए कि सब ये कहे कि क्या दिन थे। और मैं आपको ये जरूर बोल रही हूँ कि आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अल्टीमेटली 1939 में इतना डिप्रेशन था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिप्रेशन था, और उस टाइम उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, लेकिन मार्केट थोड़ा मतलब नीचे गई थी, 16% शेयर नीचे गई थी, और उसके बाद 50% तक वापस आई थी। सो अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस आ सकती है तो आई सकती है ना, तो सब कुछ होगा, तो चेंज होएंगी चीजें। तो अभी आप क्या, मेरा सबसे बड़ा आपको एक सजेशन है, अगर आप फॉलो करें आई गारंटी कि आपकी लाइफ चेंज होगी। हाय अर्चना, वेलकम, हाउ इज दिल्ली, आई लर्न्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, राइट कपिल जी, दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत वायरस फैला हुआ है। सो आप लोग दो चीजें जरूर करें, एक तो आप बुक जरूर पढ़ें, कोई ना कोई मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट इट्स अ बुक टू रीड, अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। जिनको बुक पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए बहुत बुक अच्छी बुक है, क्यों, क्योंकि इसमें 30 स्टोरीज है और बहुत आपकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज है। और अगर आप वो बुक पढ़ेंगे, श्रुति सोद वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, या सो अगर आप ये बुक्स पढ़ेंगे
आपकी लाइफ में इतना चेंज आएगा, कोई भी बुक पढ़ी है, मेरे यहाँ सामने आप देख नहीं सकते, यहाँ कम से कम 10 बुक्स पढ़ी है, और मेरे बच्चे हंसते रहते मामा सारी पढ़ोगे, मेरा मन है मैं सारी पढ़ूंगी पर एटलीस्ट कुछ पढ़ रही हूँ। सो बुक्स पढ़िए नंबर वन। नंबर टू, कोई ना कोई लर्निंग करिए, ऑनलाइन इतने कोर्सेज है, मैंने 4 कोर्सेज ज्वाइन किए हैं और मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं 3-4 कोर्सेज कर रही हूँ, इस टाइम में मेरे बिल्कुल टाइम नहीं। सो आप भी करिए और वो आपके काम आएगा, जो कोर्सेज करेंगे, जो अपने आपको डेवलप करेंगे। अंकुश जी हेलो, ग्लैड टू सी यू, राजेश हेलो, सिमेजी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, या सिमेजी सेइंग लेट्स होप दैट समथिंग वेरी गुड टू हैपन, एट लीस्ट एनवायरमेंटली द वर्ल्ड इज रीबूटिंग, यस दैट इज द सिल्वर लाइनिंग एज ऑफ नाउ, एब्सोल्युटली, और नॉट ओनली फॉर द एनवायरमेंट। आई एम पूनम, हेलो वेलकम, she's cooking, she's reading, your book is really good, thank you Poonam, and she's playing games with the children, hello Dinesh, yeah, thank you so much for joining, so, इस period में जो जो आप करेंगे, आपको upgrade जरूर करना है अपने आप को, आप पुरानी उनके साथ नहीं जी सकते, आप पुरानी चीजों के साथ सोचोगे वैसी लाइफ चलती रहेगी, फिर आप गलत सोच रहे हैं, वैसे नहीं चलेगी, हमें बहुत कुछ चेंज करना है, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, हमें ऑनलाइन चीजें करनी पड़ेंगे, हो सकता है हमें कुछ ऐसी चीप प्रोडक्ट्स बनानी पड़े जो मार्केट को चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा किसको ही नहीं खर्चेगा आज के डेट में, तो हम सबको उस पर काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। जैसे हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी में कुछ ने अकाउंट्स का कोर्स, हमारे अकाउंट्स के जो है फाइनेंस हेड, उन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज किए जो टैली को डायरेक्ट डेटा फीड कर देंगे, तो हम सारे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। गुड मॉर्निंग श्रुति, या गुड मॉर्निंग मीनू, गुड मॉर्निंग राजेश, सो आप प्लीज अपने क्वेश्चन भी लिखते जाए, मैं साथ साथ आंसर करती जाऊंगी, कुछ भी आपके मन में कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। या आप प्रियंका इज सेइंग प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस कॉल, प्रियंका इफ यू आस्किंग द लिंक ऑफ दिस कॉल देन प्लीज टेक इट फ्रॉम द फोन। सीबीएसई कह रही है, सीबीएसई इज अ लर्निंग पर्सन, सो ही इज सेइंग फुल टाइम लर्निंग ऑनलाइन स्पेशली हाउ टू डू बिजनेस इन डिसरप्टिव बिजनेस एनवायरमेंट। यस विवेक बिंद्रा है, मैं उनको सुनती हूँ, उज्जवल है, उनको मैं सुनती हूँ, वो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे तरीके बताते हैं कि कैसे बिजनेस को, कौन से बिजनेसेस आगे जाएंगे। अब जैसे आप देखें, अगर होटल इंडस्ट्री है या कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एयर लिंक आया है, या सो कुछ ने लिंक शेयर, प्रियंका यू कैन शेयर बुक लिंक, ओके बुक लिंक कोई डाल सकता है तो डालिए, नहीं तो अदरवाइज अगर आप उसमें जाएंगे अमेज़न पे, आप सिंपली लिखिए स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन वर्जन पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन वर्जन की हमें आदत डालनी चाहिए किंडल की, और ये किंडल पे मेरी बुक बहुत अभी डिस्काउंटेड चल रही है टिल 30th अप्रैल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ये क्योंकि अब हमें पेपर से हटना है, अब हमें ऑफिस बंद हो जाएंगे, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब लोग फिकर करते हैं तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि पूरा दुनिया ही इससे फायदा, ओला उबर ओयो होम्स जिसकी हम बात करते थे कि वाओ व्हाट एन इंडस्ट्री राइट, कि ये तो इतना ग्रो कर रही है, ऐसे अभी रुक गए, कभी होटल इंडस्ट्री में हमने क्राइसिस नहीं सुना, वो गए, फ्लाइट्स रुक गई है, सो इसलिए आप अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करें। हेलो प्रदीप, या सो विनय आप कह रहे हैं हेल्थ पे काम करना है, पूनम कह रही है हाउ टू डील विद हार्मोनल प्रॉब्लम्स। आज ही मैं किसी का पढ़ रही थी कि जो एक मेरी वीडियो भी है हार्मोन्स पे, हैप्पी हार्मोन्स उसका नाम है, सो बेसिकली हमारी जो अंदर की हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, हार्मोन्स है, हमारी प्रॉब्लम्स है, वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड को लेके बहुत कनेक्टेड है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं
विनय जी वेलकम, थैंक यू। सो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे हमें हैप्पीनेस आती है, और अगर हम सारा टाइम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आज ही एक एक्सपीरियंस पढ़ रही थी किसी का, किसी को बहुत सीरियस डिजीज हो गई, यू वायरस समथिंग, जैसे ब्लाइंड हो जाता है आपने, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल बोल दिया था कि ही विल बी देयर नो चांस। अल्टीमेटली पता चला कि बिकॉज आदमी को इतना गुस्सा था कि उसकी वजह से उसका कुछ ब्लड ऐसे रश करता था जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई। अंकुश जी के पास सारे लिंक्स हैं, बुक का लिंक भी है, सो नाइस अंकुश जी, थैंक यू सो मच। सो उसके पास अल्टीमेटली जब उसने कुछ स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की, कुछ स्पिरिचुअल एक्शन ऐसे करने शुरू करे, उसका कैन यू बिलीव, उसका यूवाइटिस ठीक हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ लीड करनी शुरू कर दी, ही इज हेल्दी नाउ, ही इज हैप्पी। सो हमारी जो सोच है, जो मैं मोस्टली आजकल वेबिनार्स कर रही हूँ मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम डिप्रेशन की सारा दिन बात करते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, सो बेसिकली डिप्रेशन कहाँ से अराइज होता है? डिप्रेशन हमारी छोटी सी नेगेटिव सोच से अराइज है। मेरे एक क्लाइंट है जिनको उन्होंने जब फाइंड आउट किया तो उनको काफी डिप्रेशन था और वो मेडिकेशन पे भी थे, तो लेकिन वो नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली जब मैंने अपनी कोचिंग की, उसमें मुझे पता चला कि उनका डिप्रेशन कहाँ से शुरू हुआ। मैं वहां तक गई, एक्चुअली हमारी जो कोचिंग है उसमें रूट लेवल तक जाते हैं कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। जब तक रूट पे नहीं जाएंगे हम उसको क्योर नहीं कर सकते। ऊपर सुपरफिशियली हम जो मर्जी मोटिवेशन देते रहे, कुछ भी कहते रहे, कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कहाँ से पता चला उनको ये डिप्रेशन शुरू हुआ? एक थॉट से। एक बार वो लाइब्रेरी में गए, ही वॉज यंग, लाइब्रेरी में गए और वहां पे बैठे और सामने वाले लड़के को स्माइल दे हेलो बोला और उसने रिप्लाई नहीं किया। उससे उनके ऐसी नेगेटिव थॉट्स चलने शुरू हो गए, क्योंकि वो लड़का टॉपर था और वो खुद ठीक ठीक थे पढ़ाई में, तो उनको कहीं ये लगा कि ओ ही डजंट केयर फॉर मी, ही डजंट लव मी, ही थिंक्स आई एम नथिंग, मुझे तो कोई भी नहीं प्यार करता, मुझे तो कोई भी, मेरे तो दोस्त भी ऐसे, मुझे ये नेगेटिव थॉट्स। फिर धीरे धीरे फैमिली में भी आया, मेरी फैमिली में मुझे प्यार नहीं करता, मेरा ब्रदर भी मुझे प्यार नहीं करता। करते करते वो ऐसी स्टेट में आ गए, उनको डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और जब डिप्रेशन 15 दिन से ज्यादा चल जाए तो इसका वो बीमारी बनना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कहती बीमारी बन जाता है, पर बनना शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो 15 दिन तो हमें कोई भी चीज को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, इट्स ओके। बट अगर वो रिकवर हो ही ना, मीन्स उसके बाद ऐसी स्टेट में आ जाओ कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपका सोशलाइज करने का मन नहीं कर रहा, आपका हंसने का मन नहीं, बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हो, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो अंकुश लिख रहे हैं, स्टार्टेड डूइंग योगा टू मेक माय माइंड एंड बॉडी रिलैक्स। अंकुश जी आप बहुत अच्छा रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा सबसे लाइफ में वीक पॉइंट था फिटनेस, सबसे वीक। तो मैं सारी चीजों के लिए टाइम निकाल सकती हूँ लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस को लेकर मैं लेजी हो जाती हूँ। मॉर्निंग में उठना मुश्किल लगेगा, कुछ भी। हेलो प्रदीप। सो कुछ भी होगा तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ इसमें, वॉक करना है तो 2 दिन करूंगी फिर छोड़ दूंगी, जिम जाऊंगी छोड़ दूंगी, तो मेरा ये। लेकिन इस पीरियड में एक्चुअली 2020 में मैंने डिटर्मिन किया था कि इस साल मैं फिटनेस पे वॉक करूंगी, और बाई चांस मेरे से कहीं हो नहीं पा रहा था रेगुलर, और जब से हुआ तो मैंने एक चीज, मैं आप सबको एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहती हूँ जो मैंने लाइफ में सीखी है। जो आपका वीक पॉइंट है, कोई भी, जैसे मेरा वीक पॉइंट था कि हम मॉर्निंग इवनिंग करते हैं, लेकिन इवनिंग में मैं जब आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, तो मेरा मन नहीं करता ना, लेजी हो जाती। तो मैंने क्या शुरू किया कि मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन या मेंबर्स के घर जाते हैं, वो बोलते हैं उसको, तो मैंने शाम के होम विजिट ऐसे फिक्स कर ली कि मैं करके ही आऊँ प्रेयर, तभी प्रेयर मिस नहीं हो। तो मैंने अपने वीकनेस को डील किया। ऐसे जब योगा है या फिटनेस को कुछ भी है तो मैं अपने आप को उसके साथ बांध लेती हूँ। कैसे? मान लो योगा टीचर को घर पे बुलाया, वो आएंगे तो मुझे उठना ही है, कमिटमेंट के मैं पक्की हूँ, किसी को कमिट किया तो मैं करूंगी। ये मेरी स्ट्रेंथ है और वो मेरी वीकनेस है, तो मैंने दोनों को क्लब किया। तो वो घर आ रहे हैं तो मैंने उठना ही है। मैंने किसी के साथ वॉक, क्योंकि उसके साथ वॉक नहीं, मैंने नेबर में कोई है उनके साथ वॉक शुरू की, क्योंकि मैं आंसरेबल थी उनको, तो इसलिए मैंने अल्टीमेटली आई बिकेम रेगुलर विद द वॉक। एंड नाउ मैंने एक फिटनेस का एक सेशन शुरू किया, ओवरऑल वेलनेस का,
जिसमें हम मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं, हम लोग मॉर्निंग बात करते हैं, कुछ मेंटल टिप्स देते हैं, उसके बाद हम कुछ टिप्स फॉर द फिजिकल वेलनेस इन द सेंस कोई हेयर कोई कुछ भी एक छोटी सी टिप, और उसके बाद हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, कभी प्रॉपर बैक की करते हैं, जैसे आजकल हम बहुत बैठे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, उन सबको हमें ठीक करना है, मतलब उसको हमने हिलाना है उन मसल्स को, तो इस तरह के हम एक्सरसाइजेस करते हैं, फन एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें हम बॉल से एक्सरसाइजेस करते हैं, एब्स करते हैं, जो हमारे स्टमक में हमें प्रॉब्लम है। निधि मनराज, हाँ हेलो निधि, हेलो मैम, दो आई एम चार्ज विद योर मॉर्निंग सर्विस, बट स्टिल आई वांटेड टू नो हाउ वी कैन बी कंट्रोल एंगर। ओ कपिल भी कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स स्पेशली रिगार्डिंग बिजनेस, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं आपका बिजनेस थोड़ा जानती हूँ आप क्या करते हैं, और मैं भी बिजनेस में हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो मैं देखती हूँ टेंशन होती है, एक्चुअली तो सबको होती है। अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर को भी टेंशन, अगर आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ही कमिटेड सुसाइड, तो कंटिन्यू होगा ना नेचुरली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट स्टार्टेड क्राइंग ऑन टीवी, राइट, इसका मतलब उनको टेंशन है। इतनी बड़ी बड़ी ओईएम्स जिन्होंने बहुत प्रॉफिट्स कमाए, आज वो भी इतनी प्रॉब्लम में है, उनके कंपनीज के वो आते हैं फ्रेंकली सच अ बिग नेम, उन्होंने इंडिया से 5 कंपनीज बंद कर दी, तो कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, तो कौन कौन लोगों को, तो ये नेचुरल है कपिल जो आप कह रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को, जैसे मैंने शुरू में बताया कुछ लोग लेट आए हैं, तो मैं जस्ट रिपीट करूंगी कि 2 भेड़िए हैं, एक सारा दिन नेगेटिव सोचता रहता है, नेगेटिव बात करता है माइंड में भी, सारा दिन दूसरा का नेगेटिव, फ्यूचर का नेगेटिव सोचता है सब कुछ, और दूसरा भेड़िया है जो हमेशा पॉजिटिव लव कंपैशन नो अच्छी बात करता है पीस। तो एक बच्चे दादा ये बता रहे थे कि इस तरह के 2 भेड़िए हैं, तो बच्चे ने पूछा कि अगर उनमें लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, तो दादा ने बोला जिसको हम फीड करेंगे, जिसको हम खाना देते हैं, राइट। तो आप किसको खाना दे रहे हो, आप अपनी थॉट्स को खाना दे रहे हो जो नेगेटिव चल रही है कि बिजनेस का फ्यूचर का क्या होगा, आप उसको दे रहे हो, या आप पॉजिटिव को दे रहे हो कि नहीं कुछ होगा, आप कर क्या रहे हो। कपिल जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस स्टेट में आपने ऐसा क्या किया बिजनेस के लिए कि आपको लगे कि हाँ अगर इस तरह का पुराने तरीके का बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगा, ऐसा आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लीज लिखिए। आपने अपने आप को अपग्रेड क्या किया इस पीरियड में, मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि आप अपग्रेड क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ फिकर कर रहे हैं या कुछ अपग्रेड भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था एंगर का, गुड मॉर्निंग हकीकत, प्रियंका कह रही है विच आर इफेक्टिव योगा आसना ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। पहले मैं एंगर पे थोड़ा बताना चाहूंगी, हमें एंगर आता क्यों है, मोस्टली हमें एंगर इसलिए आता है कि अगर हमें लगे किसी ने मेरा कुछ किया है, ठीक है, या तो तब आता है या हमारी किसी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और वो नहीं करता। मैं इस चीज को बहुत थोड़े डीप एंगल से स्पिरिचुअल एंगल से बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो कोई हमारा गलत इसलिए करता है या गलत किसी से हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसका कुछ गलत किया होता है। तो जब हम कर्मा लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। कहते 2 fingers are at us and 3 are at you, so 3 reasons are me, maybe in my past life, maybe in this lifetime I have done something। जैसे आज मैं बता रही थी कि मैंने कुछ कहा तो उसमें उन्होंने जब खुद का कंट्रोल किया तो उनके एनवायरमेंट का कंट्रोल हो गया। तो पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। मेरी एक बहुत वीडियो है जिसमें मैंने कर्मा थ्योरी की बात की, उसमें मैं बहुत, हालांकि मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हूँ क्योंकि मुझे वो याद रहता है जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी बेस लाइन है। पीछे कमेंट निकला है, सुमित मलिक जी कह रहे हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टीचिंग मोटिवेशनल स्पीच व्हिच हेल्प्स पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। One day spend some time for people suffering from hyper ego, those who are called megalomaniac. That is also a state of mind which is a disease. Right. That is a major problem nowadays. We look forward to have something from you in this plan. Surely, Sumitri, we can plan. Yeah, surely. I will love to. Yeah.
आई हैड यू नो वन वेबिनार ऑन डिप्रेशन एंड बिकॉज आई हैव सीन डिप्रेशन वेरी क्लोजली इन माई लाइफ सो आई कैन शेयर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट एंड इट कैन हेल्प अंकुश सेम आई हैव डन हायर्ड योगा टीचर आई स्टार्टेड क्लासेस अ प्रोफेशनल योगा टीचर हु कॉल मी ऑन वीडियो व्हाट्सएप एंड टीच मी लाइव वन टू वन योगा वेरी अंकुश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं दैट कीप्स डिसिप्लिन सो मैं कपिल जी से पूछ रही थी कपिल जी आपने अपग्रेड करने के लिए क्या किया प्लीज आप बताइए मैं इन द मीनवाइल हैंगर पे आती हूँ तो एक मैं बता रही थी एक स्टोरी है जो मैंने यूट्यूब वीडियो पे भी डाली और मेरी एक बड़ी फेवरेट मतलब इट्स माय सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी कि अगर रात को आपके घर में पार्टी हुई और बहुत ज्यादा आपने इंजॉय किया ड्रिंक्स ली डीजे था और रात को 3 बजे बज गए और 3 बजे आप सो जाते हैं कि हम गए कल सुबह उठ के सफाई करेंगे और रात को आपकी याददाश्त चली गई तो आप अल्टीमेटली जब मॉर्निंग में आपका क्या स्टेट होगा यहाँ कौन आया था किसने किया ये यहाँ क्यों पड़ा है ये गंदे बर्तन क्यों है ये ड्रिंक की बॉटल्स क्यों है राइट किसने किया किस किया था ये सब मैंने मैंने पार्टी की थी मैंने इंजॉय किया था मैंने सबको इन्वाइट किया था मैंने वो सब गंदा छोड़ा था और अब मैं डर रही हूँ राइट सो यही हम कर रहे हैं हम सारा दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं एक्चुअली वो हम सबने किया अगर हम ये बात समझ लें हमें गुस्सा आना बंद हो जाएगा ये मैं रूट लेवल की बात कर रही हूँ अगर हम सुपरफिशियल की बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है जो कहते हैं कि एक लेडी और उसकी बड़ी लड़ाई होती थी हस्बैंड के साथ तो वो अल्टीमेटली दुख तंग आ जाती है और एक दुख के पास जाती है कि गुरु जी में बड़ा मतलब लड़ाई होती है झगड़ा तो कुछ इलाज दो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पुड़ियां दे रहा हूँ कुछ तो जब भी लड़ाई हो तो ये मुंह में डाल लेना बस धीरे धीरे ये वर्क करेगी ठीक हो जाएगा और वो ऐसे ही करती है कुछ दिन ऐसा करती है और लड़ाई होनी बंद हो जाती है तो वो बड़ी हैरान होती है वो आती है गुरु जी ऐसा क्या उस पुड़िया में कहते कुछ नहीं मुंह में रखी तो आपने बोला नहीं तो दूसरे का गुस्सा अपना ठंडा हो गया बात क्योंकि हम उसको इतनी आग वो देते हैं जैसे कहते हैं घी डालना तो वो बढ़ता जाए सो इसलिए जस्ट रिस्पेक्ट में दूसरे पर्सन जिससे कुछ सोच रहा हो कुछ तकलीफ में हो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो आपके हस्बैंड घर आते हैं तो उनको कोई टेंशन हो आप इस एंगल से सोचेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मैंने एक बुक पढ़ी थी वुमेन फ्रॉम द मार्स मैन फ्रॉम फ्रॉम वीनस तो उसमें एक बहुत प्यारी चीज थी कि जैसे एक हस्बैंड घर में आता है और वाइफ वेट कर रही है ऑफ कोर्स और अल्टीमेटली जो वाइफ पूछती है उसको चाय बनाओ हस्बैंड सोच रहा है कुछ उसके अंदर अभी चल रहा है वो भी प्रैक्टिकली घर नहीं आया मेंटली घर नहीं आया फिजिकली आया तो वो शूज उतार रहा है न्यूज पेपर उठा लिया टीवी देखना शुरू कर दिया वाइफ को गुस्सा आ रहा है वाइफ के लिए क्या मैं वेट कर रही हूँ और अब ही डजंट लव मी प्यार ही नहीं करते मुझे यू नो धीरे धीरे वाइफ धीरे धीरे गुस्से में आके अपने बच्चों के रूम में चली जाती है थोड़ी थोड़ी देर में हस्बैंड वापस सेंसेस में आ रहा है और सेंसेस में आता कहते कहाँ हो अब तक अब उसका मूड खराब हो चुका है उसको लग रहा है ये क्या मुझे तो प्यार ही नहीं करते मेरी तरफ देखते भी नहीं बस पता नहीं क्या अब वो अपने उसको टाइम चाहिए था हस्बैंड को अनवाइंड करने के लिए जो वाइफ ने बहुत पर्सनली लिया उसको ऐसा जब तक वो ठीक हुआ अब वाइफ का मूड खराब हो गया हम इस तरह से एक विशेष साइकिल बनाते हैं तो गुस्से को आपको ही कंट्रोल करना है आपको इसको डायरेक्शन देना है कपिल जी कह रहे हैं नथिंग एट यस जस्ट वेटिंग फॉर द लॉकडाउन टू गेट ओवर एंड वेट फॉर द मार्केट ओनली टू रिस्पॉन्ड एज रियली डिफिकल्ट टू प्लान एट दिस टाइम कपिल जी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ वेट मत कीजिए इसीलिए आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ वेट करें इंतजार कर रहे हैं आपको कुछ जरूर करना चाहिए मैं अपनी टीम को भी एनकरेज करती रहती हूँ कि आप प्लीज कुछ ना कुछ कोर्सेज कीजिए आप कुछ भी कीजिए आप मैं कह रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लो आप बिजनेस एनहेंसमेंट का कोई कोर्स कर लीजिए विवेक बिंद्रा के बहुत सस्ते कोर्सेज है और मैं एक चीज और बताऊंगी कि जो हम पर्सनल डेवलपमेंट पे टाइम पैसा स्पेंड नहीं करते हमें लगता नहीं 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 ये तो 1,000 रुपए 10,000 रुपए 5,000 पता नहीं क्या हो जाएगा ये बहुत गलत सोचते हैं मैंने किसी का कोर्स ज्वाइन किया एक और मैं करती रहती हूँ कोर्स तो उस कोर्स जो कराते हैं जो मेंटर है
उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोर्सेज लर्न करने में 1 करोड़ रुपया खर्चा विद इन ऑफ टाइम ऑफ कोर्स. तो उस आज वो एक मतलब मेरा ख्याल 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा लेते होंगे. मतलब जब मैंने कोर्स जिस दिन ज्वाइन किया तो उस दिन मेरा 30 लाख की तो रजिस्ट्रेशन उसी दिन हो गई थी. तो आप देखिए 1 दिन के वेबिनार से उन्होंने 30 लाख इकट्ठे किए. तो आप सोचिए 3 वेबिनार करेंगे 1 करोड़ हो जाएगा. तो जो उन्होंने ट्रेनिंग ली वो वेस्ट नहीं गई. तो ट्रेनिंग में जो टाइम और पैसा आप स्पेंड करते हैं वो आपके ही काम आएगा. आप अगर बचपन में ये सोचते कि छोड़ो यार स्कूल क्या जाना है, यू नो पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, जाना आना पड़ेगा, यू नो, तो आप कभी भी ग्रो नहीं करते. सो जो हम मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल ट्रेनिंग पे कुछ टाइम पैसा नहीं यूज करते ये हम बहुत गलत करते हैं. फिर बीमार हो जाते हैं, वो मेंटल अल्टीमेटली फिजिकल पे आता है, फिजिकल पे आता है, उसके बाद हम डॉक्टरों के जाते हैं, करते हैं ना. तो उसे पहले अगर हम यूज कर ले, जैसे हमारे एक स्पिरिचुअल लीडर थे वो कहा करते थे कि हस्बैंड वाइफ पहले लड़ते हैं उसके बाद प्रेयर करते हैं. तो बेटर यह है कि पहले प्रेयर करें, फिर लड़ाई नहीं होगी, राइट. तो अगर हम पहले माइंड को ट्रेन कर ले तो हमें डॉक्टरों में पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे. तो प्लीज स्पेंड योर टाइम एंड मनी ऑन यू नो ट्रेनिंग योर माइंड. हाउ टू मेंटेन आवर डाइट प्लान. डाइट मेरे को लगता है सबको पता है लेकिन हम करते नहीं है. डाइट के मैं 2-3 टिप्स और देना चाहूंगी जो हमारे मिसकंसेप्शंस है. मेरे पास यहाँ बुक पड़ी है, ये बुक है, ये बॉलीवुड डाइटिशियन है, 12-week फिटनेस प्रोजेक्ट. तो इसमें मैं कुछ टिप्स पढ़ रही थी. इसमें उन्होंने बोला है कि जो ऑयल है देसी घी वो हमें जरूर लेना चाहिए दिन में 3 बार. और हम नहीं लेते हमें लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे. एक्चुअली दैट्स अ गुड फैट विच इज इम्पोर्टेंट विच गेट्स एब्जॉर्ब इन द बोन्स एंड मसल्स. एंड दैट्स वे अगर आपने देखा होगा जो हमारे बड़े थे उनको नीज प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती थी. मेरी दादी नानी सब 92 में उनकी डेथ हुई और वो चलते थे एंड तक. क्यों? क्योंकि वो घी बहुत खाते थे. हम लोगों की बोन्स इतनी वो हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, सुनो कि हम वो जैसे टूट जाएंगे तो इजीली हम अल्टीमेटली हमें अर्थराइटिस बहुत इजीली हो जाता है, अर्ली हो जाता है. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए और नहीं खाते हैं, और जो हमें नहीं खानी चाहिए हम जरूर खाते हैं. जैसे शुगर्स है, एनी व्हाइट थिंग्स लाइक मैदा है, कुछ व्हाइट चीजें ऐसी है जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीने चाहिए. तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें और रात को 7:30 तक खाना जरूर खाएं और उसके बाद वॉक जरूर करें. अगर आपने वेट कम करना है, अगर आप 7:30 तक खाना खा लेंगे और उसके बाद वॉक करेंगे हाफ एन आवर आराम से करिए, उसमें ब्रिस्क वॉक नहीं चाहिए, तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके फैट्स नहीं बनेंगे जो रात को बनते हैं. तो प्लीज उनका उस पर ध्यान दीजिए. या एनी क्वेश्चन आई एम मिसिंग और एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन रह गया अर्चना ने पूछा, हाउ टू कीप बिजी सीनियर सिटीजंस. मुझे ऐसा लगता है हमारे जो सीनियर सिटीजंस है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो उनको पहले ही ना क्वारंटाइन में रहने की आदत होती है बेचारों को, अपने एक छोटा सा दायरा होता है उसी में वो जिंदगी बिताते रहते हैं. तो उनके लिए कोई बहुत लॉकडाउन का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. किसी को होगा आई एम श्योर बट नॉट एवरीवन. तो उनके लिए तो अगर आप जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बैठ के कोई उनके पसंद का सीरियल देख लेंगे, उनको तो ऐसा लगेगा कि लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप ऐसे टाइम उनके साथ बिताया ही नहीं. उनको वो खुशी होगी जो पहले नहीं मिली. उनको कुछ ऐसी रूटीन बनाए, जैसे फ्रेंड है यहाँ, पता नहीं आए कि नहीं विशाल, उन्होंने कुछ ऐसा टाइम बना लिया अपने पेरेंट्स के साथ. यार ओल्ड पेरेंट्स आर 80-80 प्लस, उनके साथ थोड़ी देर कार्ड्स खेलते हैं वो, राइट. किसी ने ऐसा मतलब एक फिटनेस मॉर्निंग में इकट्ठे सारे फिटनेस का प्रोग्राम करते हैं. एक ने ऐसा बना कि गीता पढ़ना शुरू कर दिया. एक मेरे क्लाइंट है वो अपने पेरेंट्स के साथ गीता पढ़ने लिए एक चैप्टर, इस माह वो खुद पे ग्रो हो गए और उनके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता होगा.
और आप एक बात बता रही हूँ कि ये जो पीरियड है ना, ये आपके रिश्तों को बदल देगा, आपकी जिंदगियां बदल देगा, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बदल देगा, आपकी अपनी हेल्थ बदल सकता है, आपकी अपनी सोच बदल सकता है, आपका अपना स्किल्स बदल सकता है, जो स्किल आपके अंदर है। सो इसलिए आप प्लीज इस को वेस्ट मत करिए सिर्फ वरी वरी करके। वरी पे मेरी भी अच्छी इस बुक में अगेन स्टोरीज है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। एक स्टोरी है मेरी कि एक बार एक पर्सन ऑडी में जा रहे होते, ये भी मेरी सेल्फ क्रिएटेड ही है। और उसमें एक आदमी है, वो बूढ़े हैं, वो बंडल लेके जा रहे होते बस सिर पे, तो वो गाड़ी रोक लेते हो, कहते बाबा आइए ना आप प्लीज, इतना उठा के आप चल रहे हैं। वो कहते नहीं 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 बेटा, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। वो कहते नहीं नहीं बाबा आप आइए प्लीज, हाँ पीछे बैठे, नहीं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। ऐसे करते 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 बहुत मुश्किल वो अल्टीमेटली बिठा लेते हैं उनको। आप वो चला रही है गाड़ी, थोड़ी चलती जा रही है चलती जा रही है, थोड़ी देर बाद वो पीछे देखते हैं शीशे में से, क्या देखते हैं कि बाबा ने फिर से बंडल उठा रखा है सिर पे। कहते हैं बाबा इतनी जगह है, आप वहां रखिए ना, आप सिर पे क्यों उठाया हुआ है आपने ये बोझ। कितने बेटा मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तो हमारी गाड़ी ना ऊपर वाला चला रहा है, ऊपर वाला है ऑडी लेके आया हुआ है, वो चला रहा है, हमें कह रहा है बैठो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो मैं हूँ। लेकिन हम कैसे हैं, नहीं 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 मैं तो बोझ सिर पे रखूंगी, मैं तो अपना। तो हमने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, प्लीज ट्रस्ट गॉड। प्लीज हमने क्या करना है, ट्रस्ट गॉड डजंट मीन कि आप बैठ जाइए, प्लीज ये कभी नहीं कहता है। आपको बैठ के काम करना है, आप अपनी टैलेंट को इंक्रीज करते जाइए, लेकिन आप वरी मत कीजिए। देखिए अगर आप ट्रेन में हैं और ट्रेन में आपके पास 10 लगेज के पीसेस है, ठीक है, आपने 10 लगेज के, आप कह रहे हो हाय स्टेशन आने वाला है स्टेशन आने वाला है, तो आप उस लगेज को सिर पे उठा लेते हैं, सरवाइव कर पाएंगे 10 लगेज सिर पे रख लिया आपने, सोचो। हाँ नहीं ना, आप गिर जाएंगे। अब तो अल्टीमेट क्या चाहिए आपको, चाहिए जैसे स्टेशन आने वाला है आप उसके पास गेट के पास लगेज रखो 10 पीस, काउंट करो, वेट करो स्टेशन, जैसे स्टेशन आता है आप वो आराम से उतार सकते हो। आपके सिर पे रखने से स्टेशन जल्दी नहीं आएगा, इसी तरह से आपके टेंशन रहने से लॉकडाउन जल्दी खत्म नहीं होगा, बिजनेसेस जल्दी नहीं होंगे। पर आप इस टाइम क्या कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। जस्ट सम कोर्सेज टू डू एट दिस टाइम व्हिच कैन, उडेमी एक साइट है जिसपे बहुत सिंपल और अच्छे कोर्सेज है, कोर्सरा एक है, ये सब कोर्सरा इज अ फ्री दिस थिंग, उडेमी में 600-700 रुपए में बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाकी आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स जो करना है इस पे करना है, आप सर्च कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ आप किस, कौन सी आपकी लाइकिंग है। मैं भी कुछ ऐसी वर्कशॉप्स करती हूँ, तो आप कौन सा करना है वो बताइए। ममता कह रही है हाय, हाउ डज वन गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ वन बींग असिम्प्टोमेटिक, फियर ऑफ बींग सी। ममता जैसे अभी आप शायद लेट आए हो, अल्टीमेटली फियर इज इन आवर माइंड। आज ही ना पढ़ा एक कोई चाइना से आया था मैसेज कि एक्चुअली जो अभी वुहान में अभी भी हर घर में कोरोना पेशेंट है, हर घर में, लेकिन कहते हैं वुहान फिर भी चल पड़ा, सब कुछ वहां नॉर्मल हो गया, क्यों? और वो कहते कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहे, कोई हॉस्पिटल में भी नहीं जा रहे। और ये मुझे लगता है एक न्यूज है, बिकॉज किसी की चाइना से ही है जो चाइना में रह रहा है, और वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो जिसके लेने से उनका गर्म चीजें ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, स्टीम लेते हैं, गार्गल्स करते हैं, जिससे उनका चार चार बार करते हैं दिन में, 5 दिन में ये ठीक हो जाता है। मुझे लगता है सोचना बंद कीजिए, सबसे पहले सोचना बहुत नो, जो हमारी सोच है वो हमें वो कर रही है। कैन वी हियर दिस कन्वर्सेशन अगेन इन एनी टाइम, आई थिंक दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आई विल पुट इट ऑन माय फेसबुक एंड आई विल बी हैविंग दिस ऑन डेली बेसिस एट 11 o'clock, सो यू कैन कम विद योर क्वेश्चंस, यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस बिफोर आल्सो, यू कैन राइट हियर, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जॉइन इन, सो दैट लेट अस एनकरेज ईच अदर व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। मैडम काइंडली सजेस्ट, टेंशन रिमेन्स ऑन द माइंड अंटिल वर्क इज फिनिश्ड, वेदर वर्क इज एट होम और इन ऑफिस, हाउ टू ओवरकम इट। हकीकत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है,
मुझे याद है कि घर पे मेरे जैसे सर्वेंट्स होते हैं, तो वो ना भाई अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ऐसे ऐसे ना बात करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि डोंट काउंट कि क्या रह गया है, काउंट ये हो गया है, ओ आई फिनिश दिस, थैंक यू, वाओ, नाउ आई विल बी डूइंग दिस, आई हैव फिनिश दिस, वाओ, नाउ आई विल बी डूइंग दिस. सो इफ वी स्टार्ट इंजॉय व्हाट वी हैव फिनिश्ड, देन वी विल एंजॉय नेक्स्ट टास्क आल्सो. अगर हम सारा इस चीज अभी तो ये रहता, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप देखिए ये मैं लिखती रहती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, कितने बजे करना है, तो मेरी ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो मैं दिमाग में नहीं रखती. लिखना इज वेरी गुड हैबिट. आप लिखना शुरू करें, मेरी एक एक चीज नोटेड होती है, मुझे क्या करना है, कहाँ कॉल्स करनी है, कितनी क्या वीडियो बनानी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने से कितने. सो देन वी आर स्ट्रीम लाइन, तो 10 अब मैंने यहाँ नहीं रखे, पेपर पे डाल दी. अब मुझे पता है मुझे बस पेपर देखना है ना, टिक ही करना है, ये हो गया, अब नेक्स्ट टास्क है. तो थोड़ा सा अगर आप स्ट्रीम लाइन करेंगे तो बेटर हो जाएगा. पूनम सिंगला हैज जॉइंड अस. हाउ टू मैनेज टाइम फॉर रीडिंग, एज आई हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल एंड समटाइम्स आई फील, हाउ टू मैनेज माय एजुकेशनल स्टडीज एंड स्पिरिचुअल स्टडीज. पूनम आप क्या करते हैं, आर यू एज यू सेड एजुकेशनल स्टडी. सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी यूनिक थिंग. आई हैव लर्न वेरी हार्ड वे टू मैनेज टाइम. इसके आगे मेरी बुक में एक फुल चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट पे, और वो मेरी पर्सनल, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है टाइम मैनेजमेंट पे, वो जरूर देखे क्योंकि मैंने कैसे सीखा मैंने वो बताया हुआ है, और वो सच में है. मतलब एक टाइम ऐसा था, मैं मे बी कल के उसमें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आज मैं थोड़ा सा बताती हूँ. एक टाइम ऐसा था 1999 में, जब मेरी एक ही बेटी थी, नाइट की बात है, और हस्बैंड चले जाते थे, मैं हाउसवाइफ थी, तब भी मेरे को ऐसा लगता था टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है. मैंने अपने एक स्पिरिचुअल लीडर को बोला कि यार 24 घंटे कम पड़ते हैं, 36 होने चाहिए, और आज इतना कुछ कर लेती हूँ मुझे कम नहीं लगता. तो टाइम कैसे सीखा, ये एक जर्नी थी. आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ये बुक पढ़े हैं, किंडल वर्जन आप ले सकते हैं, 149 की है. आई एम प्रमोटिंग माई बुक. सो बेसिकली इट्स रियली नाइस, यू विल रियली एंजॉय. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. आई विल सजेस्ट पूनम दैट आप टाइम को डिवाइड करिए, 2 आवर्स आप कॉम्पिटेटिव स्टडी करें, उसके बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स करें, 10-15 मिनट जाए, एक छोटा सा कुछ टीवी का दे, और उसका थोड़ी स्पिरिचुअल स्टडी करके कुछ भी 15 मिनट बस, उसके बाद आप फिर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ें. अगर आप इस तरह से ब्रेक करेंगे तो आपको वो एनर्जी चैलाइज होती जाएगी, आपको दोबारा से एनर्जी मिलेगी कि अब आपको फिर पढ़ना है, स्पिरिट हाई हो जाएगा कि मुझे यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, लेट मी डू दिस. सो स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प, रिलैक्सेशन विल हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड, एंड स्पिरिचुअलिटी विल गियर यू अप कि यस लेट्स डू इट अगेन, राइट. सो दिस इज अ क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ, इफ यू आर डूइंग जस्ट वन थिंग कॉम्पिटिशन स्टडी यू नो, देन आई थिंक यू विल गेट टायर्ड, सो इट विल हेल्प यू. या एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज, या यू आर वेलकम, या हकीकत यू आर वेलकम. I think now we can close this and we can meet tomorrow. So please share with your friends, family, those who are it, those who don't know what to do, those who have certain questions. You can send me earlier also, or you can tell and join here. Please tell everybody. My idea is to encourage, to empower everyone.